अब मैं खड़ा हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी के फेज टू के अंदर और मैं यहाँ से आपको दिखाना चाह रहा हूँ अवेलेबल लैंड एंड ऑफ और कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज टू इस तरफ है जो कि 6 किलोमीटर और आगे जाना है मैंने दिखाने आपको बिल्कुल और हमारे पीछे जो जगह सी आप अगर फरमा सकें आपको यहाँ से नजर आएगा ओवरसीज यहाँ से वो जो ओवर टैंक नजर आ रहा है वो जो टैंक बन रहा है ओवर टैंक बनता नजर आ रहा है बिल्कुल नजर आ रहा है एग्जैक्टो ब्लॉक का टैंक है एग्जैक्टो ब्लॉक का जो ओवरसीज के टैंक है वो आपको यहाँ से नजर ही नहीं आ रहे नहीं नजर आ सकते वो यहाँ से उसके दरमियान में गोल्फ कोर्स है उसके बाद फिर ओवरसीज वन है उसके साथ ओवरसीज टू है वो यहाँ से सारा धुंधले भी है और दूर बहुत है बिल्कुल बहुत दूर है आज वो जो आगे ना ब्राउन लैंड नजर आ रही है आफ्टर दैट ओवरहेड टैंक वो ओवरसीज प्राइम की लैंड है वो जो ना ब्राउन सी और कोठी नजर वो बोर्ड लगे हुए हैं चक्की रोड पे आप नजर करें कि वो जो जो धुंध सी है ना धुंध से पीछे भी ओवरसीज कैपिटल स्मार्ट सिटी का ओवरसीज वन है टू है और यहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का फेज टू है बिल्कुल सही है आई एम रियली प्राउड एंड हैप्पी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है और ये 3 साल के अंदर देखिए 3 साल ये बड़ी बात है 3 साल के अंदर हम 40,000 कनाल लैंड ले चुके हैं आगे आगे ले रहे हैं NOC 25,000 कनाल ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है बाकी और जो NOC हमने इस एरिया की सबमिट कर दी हुई है क्योंकि NOC मिलती है सबमिट कर सकती है लैंड होल्डिंग के बाद लैंड होल्डिंग आपके सामने है माशाल्लाह और ये चीज़ें अभी हमने सेल करनी है आपके साथ के में भी सर हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर होगा कि हम आपके साथ एज ए सेल्स पार्टनर ओवरसीज में और पाकिस्तान में भी बल्कि इसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह और ये चीज़ें आसान हाथ दिखेंगी सर मैं बहुत बेसिकली ना हूँ सिविल इंजीनियर सर एक्टर नहीं अगर मैं एक्टर होता ना तो आपको मैं ऐसे पेश करता मैं सिर्फ एक्टर दिखा रहा हूँ सिर्फ ये एक्चुअल काम हो रहा है और जो हमने चीज़ें अभी सेल नहीं की हुई उस जगह पे काम होता हुआ मशीन आपको देख रहे हैं बिल्कुल सही बात है एंड ऑफ द वर्ल्ड लगता होगा आपको एंड ऑफ द वर्ल्ड एज मतलब कीपिंग व्यू कैपिटल स्मार्ट सिटी मगर यहाँ मशीनरी डंपर मशीनरी डोजर काम करते हुए नजर आ रहे हैं बिल्कुल जो चीज़ें जो एरियाज आपने रिवील भी नहीं किए बेचना तो खैर बड़ी दूर की बात है भी किसी को पता भी नहीं है वो ये पोस्ट है हमारी 24/7 ये गार्ड है ऊपर हमारे खड़े हुए ये सारे मिक्स हैं फौजी हैं इसमें कुछ लगा गैर के होते हैं ठीक है बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है हमारा एक लैंड होल्डिंग बड़ा जरूरी होता है लैंड होल्डिंग बहुत जरूरी और ख़ासकर जो पटवार में ना पिंडी इस्लामाबाद में लैंड होल्डिंग खासा मुश्किल काम है बादशाहों के लिए आसान है मगर शरीफ आदमी के लिए मुश्किल है सही बता सही कह रहे हैं शरीफ आदमी जो है उसके लिए बहुत मुश्किल लगता है लैंड होल्डिंग तो हमारे एक प्लानिंग के तहत हम इसको होल्डिंग को कायम रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब्जे की भरी हुई
राजर से हम आगे आ चुके हैं। ये सारा राजर वो गांव राजर नजर आ रहा है, सामने जो गांव राजर है वो सारी कुछ नजर आ रही है, ब्राउन लैंड नजर आ रही है, ये सारी दिखा रहा है। ये सारा है कैपिटल स्मार्ट सिटी का फेज टू, जो कि फ्यूचर प्लान है, जो कि आपने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। और आज तक एक क्लेम किसी का नहीं है कि मुझे पैसा नहीं मिला, एक बंदा क्लेम नहीं कर रहा कि मैं लैंड ले दिया पैसा नहीं दिया। आप ले आए मेरे को कितनी लैंड देखी है मछली आपने, वहाँ से देख ली थी, वहाँ से अभी उससे आगे भी लैंड है ओवरसीज वन की ना, यहाँ से कुछ नज़र आ रहा है आपको जो है ना ओवरसीज वन नज़र आ रहा है टैंक से लेके वो राजर तक जो लैंड है ये सारी हमारी वहाँ से माशाल्लाह। आप कितने किलोमीटर होगी मैं नहीं बताऊंगा, आपको जज करना है। सर ये मेरे ख्याल में अगर मैं इस तरफ जितनी फार एंड पे आपकी वो FDL की पोस्ट दिखाई दे रही है वहाँ से लेकर और वो जो टैंक दिखाई दे रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कम से कम भी ये 25 किलोमीटर स्ट्रेट उसमें होगी। क्रॉप राइट जो है 16 किलोमीटर है क्रॉप राइट, क्योंकि ज़ाहिर आपने थोड़ा सा दूर गाँव भी जाना तो 25 बन जाएगा। और जो साल बाद मैंने आपको सरप्राइज देना है वो आपके सामने है, जो एक साल बाद सरप्राइज आना है वो आपने अभी से, हाँ जी मैंने अभी थोड़ा सा रिवील कर दिया, रोड के उस तरफ मोटरवे के उस तरफ उस तो इंशाल्लाह ऐसा बहुत अच्छा टाइम नहीं है दोबारा नूर साहब को सलाम अर्ज करना मेरा मदन सर। देखिए सर वो जो आपको नज़र आ रहा है ओवर हेड टैंक वो ओवरसीज ब्लॉक बी का ओवर हेड टैंक, उसके आगे ओवरसीज ब्लॉक सी का ओवर हेड टैंक है, उसके आगे ब्लॉक बी का ओवर हेड टैंक और नज़र आ रहा है वो ब्लॉक बी के साथ बन रहा है। वो हम बात कर रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी पुराने वाले फेज़ वन, अब वो पुराना हो गया ना ओवरसीज वन जी, और कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ वन का ओवरसीज वन का वो ओवर हेड टैंक है जो सामने बड़ा सा नज़र आ रहा है, ये एग्जेक्टिव ब्लॉक का ओवर हेड टैंक है। जो लैंड हमारे पास अवेलेबल है वो इस एंड तक है, जो कि नज़र हृदय निगाह तक इधर भी हृदय निगाह तक यहाँ भी बिटवीन चक्री रोड एंड मोटरवे सारी कोटियाँ लिखा हुआ और ये नंबर आप पोस्ट के साथ आपके सामने मिलेगा। तो मैं आपसे अपना काजी इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से अपने सारे उन दोस्तों को जो मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, बाकी सेलिंग पार्टनर हैं UK में यूरोप में पाकिस्तान में, ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद है वो अगले 10 साल कम से कम 10 साल इसी स्पीड से बनता रहेगा और बिकता रहेगा। ऐसे ही सर आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ कोऑपरेट करते रहें, इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। देखिए जो होता है ना डेवलपमेंट के अंदर जो 99% जो होता है ना पोर्शन वो होता है लैंड होना, जरा एक पंजाबी में मुहावरा मशहूर है कि जो सोना हो तो उड़ाना मुश्किल नहीं होता है ना, मशहूर सोना हो तो उड़ाना सारे तरह उसको दे अपने को सारे को आप गड़गुट देगा आपको रिंग बना देगा कड़े बना देगा चीज़ें बना देगा। बिल्कुल सही, सोना हमारे पास मौजूद है लैंड हमारे पास मौजूद है, उसको सिर्फ हमने डिज़ाइन करना है और प्लॉट बना कर आपको देना है। तो जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था अपने इंटरव्यू में आपसे बैठ के कि हम सिर्फ प्लॉट देखें, हम यहाँ लाखों प्लॉट बना के आपको कल सेल कर सकते हैं लाखों प्लॉट एक दिन में और आप ले भी लेंगे प्लॉट। बिल्कुल, मगर हम सिर्फ प्लॉट नहीं बनाना चाहते, हम यहाँ लेके आ रहे हैं थीम पार्क, एजुकेशन सिटी, हेल्थ सिटी, जो लेक व्यू डिस्ट्रिक्ट और लामायर डिस्ट्रिक्ट जो मैंने दिखाया है आपको, इसके अलावा सिलिकॉन वैली बुलेवार्ड हाइट जहाँ अपार्टमेंट होंगे सिलिकॉन वैली के लिए,
इसके अलावा सिल रिवर बिजनेस पार्क, यहाँ बिजनेस और लोग इस तरह के लोग काम करेंगे और आएंगे, इंजॉय करेंगे, और बहुत सी और चीज़ें जो हमारे ब्रोशर पे आप देख सकते हैं। 26 डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, 4 डिस्ट्रिक्ट सेल के लिए हैं, बाकी सारे एंजॉयमेंट के लिए। या फैसिलिटीज हैं जिस तरह हेल्थ है, जिस तरह एजुकेशन है, हम प्लॉट नहीं सेल करेंगे वहाँ, हम बिल्कुल प्लॉट देंगे टू बिल्ड अ यूनिवर्सिटी और टू बिल्ड ए हॉस्पिटल। वो फैसिलिटी होगी हमारे लोगों के लिए भी और आउटसाइड लोगों के लिए। तो ये सारी लैंड जो है उसी के लिए यूज़ होती है। थोड़ा एक हिस्सा हमने सेल करना है, एक हिस्सा एग्जेक्टर ब्लॉक के लिए होगा फेज टू में, एक हिस्सा ओवरसीज के लिए भी होगा, और बाकी सारी फैसिलिटीज़ बनेंगी। और इंशाल्लाह अगले 10 साल कम अज़ कम हम सेल करते रहेंगे। अब ये देखें कि लैंड है, डिज़ाइन है, NOC है, और डेवलपर कौन है पीछे। ये सब चीज़ें भी हों, डेवलपर अच्छा ना हो फिर भी काम नहीं सही होता। बिल्कुल सही है। हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड से बेहतर कोई कॉन्ट्रैक्टर डेवलपर पाकिस्तान अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको इंशाल्लाह, नो डाउट। और ये गारंटी के साथ मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह 10 से 15 साल तक ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये ऐसे ही बनते रहेंगे, ऐसे बिकते रहेंगे। और एक आदमी ये क्लेम नहीं कर सकेगा कि मुझे प्लॉट नहीं मिला, नॉट ए सिंगल पर्सन। इंशाल्लाह हमारी मोटो है हमारे चेयरमैन का कि टाइमली कंप्लीशन और 100% कंप्लीशन एंड 100% डिलीवरी, ये हमारा मोटो है। यहाँ मैंने सिर्फ आपके साथ हमारे साहब क्या करते हैं कि एक उधर फर्ज अदा कर दिया, काम आए गए कर दिया, उससे रिजल्ट नहीं मिलता। बिल्कुल रिजल्ट मिलता है फर्ज प्लस शौक, फर्ज जमा शौक इज इक्वल टू गैस बिजनेस, देते हैं माशाल्लाह। तो हम लोग जो है ना वो शौक्स से भी काम करते हैं, ये मसला भी है। फर्ज तो है ही हमारे ऊपर, मगर शौक उसमें डालना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो हर बंदा शौक से काम कर रहा है। आपने देखा दोनों PM मेरे जो मेरे आगे जा रहे थे, इमरान तारक और मोहसिन जी, बेस्ट इंजीनियर रहे माशाल्लाह पाकिस्तान के। अच्छा, वो शौक के साथ काम करने वाले, अपने आप हमने कभी उनको वो डांट डपट नहीं, ब्रांड कागज दिया हुआ है कि हमें फ्लान डेट तक ये रोड तक चाहिए, बस डेट से। अच्छा ये देखिए जो हम अभी गुजर के आए हैं ना, ये सारा एरिया पीछे वाला ये एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 था, ये सारा एरिया आपके राइट साइड पे हमारे एग्जेक्टिव ब्लॉक के शुरू हुआ है। एग्जेक्टिव ब्लॉक ये सारा स्टॉक जो लगा हुआ है ये एग्जेक्टिव ब्लॉक में, अभी हम एग्जेक्टिव ब्लॉक की एक्सेस 1 में जा रहे हैं। इस तरफ गाफ कोर्स की कम्युनिटी है और ये गाफ कोर्स है, ये रोड है एक्सेस 1, और जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये ओवरहेड टैंक, नीचे अंडरग्राउंड टैंक, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ जाके। ये एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 है, विलाज भी बने हुए हैं, विला भी शुरू हुए हैं। ये हम एंटर हो गए एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 के अंदर, एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 बीस में। देखिए रोड की शॉर्ट, देखिए R4 रिंग रोड है, ये रिंग रोड है, R4 हम इसे कहते हैं, जो कि जाएगी थ्रू एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 हार्मनी पार्क से होती हुई सिलिकॉन वैली में, वहाँ जहाँ हम गए थे आखिर में वहाँ तक जा रही है। ये सारा एरिया रिवर तक देखिए, वो जो फ्लैग लगा हुआ है जी एग्जेक्टिव 1 का हिस्सा है, ये सारे प्लॉट रेडी है हमारे, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है। ये मेन रोड देखिए बने हुए हैं, सारा सीवरेज बिछा हुआ है, ये सर्विस रोड है, ये जहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स हैं, ये भी सारे प्लॉट्स हैं। ये जो विलाज हमने सेल किए थे एग्जेक्टिव के, वो विलाज हैं माशाल्लाह, ये सारे विलाज बन रहे हैं। ये हमारा जो बैचिंग प्लान लगा हुआ है, ये 24 आवर काम करना है, ये कॉन्क्रीट दे रहा है सारे एरिए को, यहाँ पे कटिंग ज़्यादा है थोड़ा सा, हमने इसको बाईपास किया हुआ है। ये सारा ये एरिया नजर आया, ये लेक है एग्जेक्टिव ब्लॉक की लेक है, और ये सारा जो रोड है ये रही R4 आ रही है आगे तक, R4 पे काम हुआ हुआ है। ये ऊपर आपको पूरी नज़र आ रही है, सेक्टर ई में है गालबन, सेक्टर ई या एग्जेक्टिव ब्लॉक। मैंने हर वो जगह आपको दिखाई है जो जगह आपने पहले नहीं देखी होगी। ऐसा ही है, ये देखिए ये सारा एग्जेक्टिव ब्लॉक में काम हो रहा है, ये सेक्टर सी और डी और ई है गालबन, ठीक है, जो सही याद नहीं है मुझे, मगर ये सारा वो सेक्टर चल रहे हैं। मैं तो लड़के से पूछता हूँ, ये आगे देखिए कंपैक्शन शुरू हुई हुई है, सारा कंपैक्ट हो रहा है। इसके आगे ना आगे भी एक लेक है असल में, इसके बाद में एक और लेक है जो रिवर सेल को जा रही है, देखिए वो जो भुर्जियाँ लगी हुई हैं उसके बाद रिवर सेल है। बिल्कुल समझ लीजिए, ये सारा सेक्टर को बाकी वहाँ तक हमारा ठीक है, आगे हमारी सेल के बाद हम नहीं है, बिल्कुल हमारी लैंड सेल के बाद नहीं है, ठीक है। ये आगे भुर्जियाँ लगी हुई हैं, ये वाइट वाली है, ये हमारी लैंड है यहाँ तक फिलहाल, ये सारी ग्राउंड लैंड जो हम ना जो गुजर के आए हैं साइड से जी, बिल्कुल जो मैंने कहा था एग्जेक्टिव ब्लॉक के लेक, वो सारा एरिया सारा एग्जेक्टिव ब्लॉक है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो क्रश का स्टॉक है हमारा जी सर, ये बैचिंग प्लांट का, ये सारा हमारा एरिया है।
सेक्टर बुला का ये सेक्टर है, लेक तक ये सेक्टर जा रहे हैं, लेक के आगे भी हम गुजरे थे जो ब्राउन नजर आ रहा है सारा सेक्टर बुला का है। आपको जो है ना ग्रीन नजर आएगा इसलिए कि यहाँ पे लेक है, मैं समझ रहा हूँ लेक को हम जो है नहीं डिस्टर्ब कर रहे फिलहाल पौधों को जो लेक के अंदर या लेक के साइड्स में है वो सारा जो है ना वो हम नहीं डिस्टर्ब कर रहे उसको। ये इलेक्ट्रो ब्लॉक की रोड्स हैं, स्पॉट हुई हुई है, ट्रेन बनी हुई है। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये सारे प्लॉट्स तो रेडी हैं, रेडी है पोजीशन सर, घर बनाएंगे, घर बनाने के लिए रेडी हैं। तो एग्जीक्यूटिव के प्लॉट्स भी रेडी हैं, पाइप देख रहे हैं जी, ये साथ मैनहोल देख रहे हैं, जो सीवरेज मैनहोल हैं जी, ये इंटरनेट के मैनहोल हैं, बिजली के मैनहोल हैं जी, और स्ट्रीट लाइट आप देख रहे हैं लगी हुई, स्ट्रीट इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं सारे, और है टैंक जो है ये फाइनल स्टेज में देखिए शटिंग लगी हुई है, इस तरफ आप दिखाएंगे स्टेज में है, घर भी बने हुए हैं, तो ना सिर्फ इधर विलास ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे चल रहे हैं, ये भी विलास भी है। जो एग्जीक्यूटिव वन के बारे में भी अक्सर एक नासमझी में या किसी खुदा न खास्ता बदनीति की वजह से लोग एक अफवाह फैलाते हैं कि वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, तो देख लें आपके एग्जीक्यूटिव वन के अंदर 99% जो काम है वो कम्प्लीट है, प्लॉट्स रेडी हैं बहुत से। ये ओवर हेड टैंक है, ठीक है सर, जो देखा था ना आपने अंडरग्राउंड टैंक और ट्रीटमेंट प्लांट और उसी वन का, जी बिल्कुल, ये उसका ये एग्जेक्टो का तैयार हो रहा है, अभी तैयार, नीचे 2 लाख गैलन का अंडरग्राउंड टैंक है, ठीक है, ऊपर एक पंप हाउस है, एक ट्रीटमेंट वाटर आएगा हमारा, इसके अंदर दोबारा ट्रीट होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पानी 2 लाख गैलन है वो 4 दिन की कैपेसिटी है इस सेक्टर की जिसके लिए बन रहा है, ठीक है, और उसको दोबारा क्लोरिनेशन दे के फिर हम भिजवाएंगे ओवर हेड टैंक के ऊपर। तो ट्रीटेड वाटर को हमारा ये मोटो ये है कि हम ड्रिंकिंग वाटर देंगे लोगों को, टैप वाटर फिर शुड बी ड्रिंकिंग वाटर, इंशाल्लाह जी। यहाँ से आपको ओवरसीज प्राइम नजर आ रहा होगा पूरा, देखिए सामने ये ब्रिज, ये रिवर जो है ये सेल रिवर है, और यहाँ से आपको जो ब्रिज नजर आ रहा है एक्सेस वन का, तो चक्री रोड को कनेक्ट कर रहा है विद मेन बुलेवार्ड अप टू ओवरसीज फेज टू, ओवरसीज ब्लॉक टू जो देखा था हमने अभी, बिल्कुल आगे आपको रिवर के नजर आ रहा है रिवर सेल जी। सामने और इस तरफ गाफ कोर्स है, इधर ओवरसीज प्राइम है, वो जो एफ डी एच का कोठी की बना हुआ है वो ओवरसीज प्राइम की लैंड होल्डिंग के लिए है, ये अभी तक हम एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर है, ये रोड और घर बन चुके हैं सामने, ये हमारा साइट ऑफिस है, मस्जिद दिखाओ, मस्जिद बन रही है, ये मस्जिद ऑलमोस्ट छत के पहुंच चुकी है, और ये बड़ी मॉडर्न एक सेक्टर मस्जिद, ये मुख्य सेक्टर मस्जिद छोटी 1000 नमाज़ें होंगी। तो देखिए जब आप आए रहने के लिए आएंगे ना आपको मस्जिद स्कूल क्लिनिक मिलेगा, शॉप्स मिलेंगी, दुकानें मिलेंगी, कपड़े ले लें, सब्जी ले लें, गोश्त ले लें, हर चीज़ आपको मिलेगी, जबरदस्त 100% जब तक नई चीज़ें होंगी मत लेने के लिए आए, ये चीज़ें बन रही हैं साथ साथ। देखिए क्वालिटी ऑफ वर्क, देखिए मस्जिद लोग जो है ना मस्जिद बनाते हैं फंड से, वो पैसे काटते हैं प्लॉट वालों के साथ ना मस्जिद फंड के लिए, हमने 1 रुपया नहीं लेंगे, सारी मस्जिदें जाहिद साहब ने कहा मेरे अकाउंट से बनाए, ये चेयरमैन साहब के पर्सनल अकाउंट से मस्जिदें बन रही हैं सारी, आप क्वालिटी देखें, RCC वॉल देखें और क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट देखें RCC की जो मस्जिद के लिए बन रही है, और सारी मस्जिद का देखें सारे कॉलम्स पे है, फ्रेम स्ट्रक्चर्स पे है, अर्थ जो है ना रेजिस्टेंट, अर्थ को एक रेजिस्टेंट ये बिल्डिंग ये भी बन रही है। अक्रॉस द रिवर जो है ओवरसीज प्राइम है, वैसे आगे ओवरसीज प्राइम बनेगा, ये सामने जो प्लॉट है वैसे ये ग्रिड 32 कनाल ग्रिड स्टेशन का है, अच्छा जो हम ISCO को दे चुके हैं, ये सामने ग्रिड स्टेशन बनेगा 32 कनाल में, ये सामने उसकी प्लॉट है, इसका प्लॉट है, उसको दे चुके हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा छोटा डैम हमने खुद बनाना है सिल रिवर पे, ये जो उसका हम क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, कि हमने क्रश निकाल के ना उसको
तोड़ रहे हैं और यूज कर रहे हैं। देखिए वो दरिया के अंदर देखिएगा ना, देखिए छोटा सा एक जगह है, वो डैम बना के हम सारा पानी से भरना है, वो आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे खुद डैम बना के ऐसे बनेंगे तो दरियाई नाला सिल के फ्लड प्लेन में किसी किस्म की तमीरात करना सख्ती से मना है। अनजान अब स्मॉल डैम बिजनेस का, इससे आगे एक इंच भी हमारी डैम रोड नहीं गई। ये बोर्ड उनका लगा, मैंने नहीं लगाया, उनका बोर्ड है। इससे पहले पहले हमारी जमीन है, उसके बाद रिवर की। हम इंतहाई ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि गवर्नमेंट की लैंड भी यूज़ ना करें, कोई इलीगल लैंड यूज ना करें। और आपके सबूत आपके सामने है कि एक इंच भी सड़क हमारी उससे आगे नहीं है बोर्ड के। ये अभी अभी तक इलेक्ट्रो ब्लॉक में, अभी तक दिस इज इलेक्ट्रो ब्लॉक, दिस इज इलेक्ट्रो, ये कमर्शियल एरिया है इलेक्ट्रो ब्लॉक का। ये बहुत प्राइम होगा, आप लोगों को पता नहीं है किसी क्या वैल्यू होगी। दरिया का पानी जब डैम बनेगा दरिया का पानी खड़ा होगा। ये कार पार्किंग और रोड है और ये कमर्शियल है, पीछे स्कूल है, पीछे मस्जिद है, बाकी सारा पीछे माशाल्लाह। ये देखिए और सामने कभी भी कुछ नहीं आना, जो कि सामने दरिया है, सामने दरिया है और इधर कमर्शियल है। हम जब ब्रिज बना के खोल देंगे ना, ये सारा पानी खड़ा होगा यहाँ पे, क्लीन वाटर खड़ा होगा, ग्रीन वाटर, ग्रीन एंड ग्रीन वाटर खड़ा होगा। अभी प्राइम पे जाना है, प्राइम स्कूल दूसरा तो प्राइम देगा, प्राइम भी दिखाना है ना, प्राइम लोग प्राइम भी देख लें। अब हम आगे जो है देखने वालों के लिए, जो अभी देख रहे हैं, कि हम आगे चल के ओवरसीज प्राइम को भी कवर करेंगे, क्योंकि ओवरसीज प्राइम के ऊपर एक प्रॉमिस ये था कि इसका काम बहुत तेज़ी से किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या वाकई वो प्रॉमिस जो है, जिस तरह बाकी वादे पूरे हो गए हैं और बाकी सारी बातें जो है अपनी पूरी की हैं माशाल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैंने।